हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी का लास्ट पार्ट, दैट इज अ जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, नाम से क्लियर है, जूलॉजिकल यानी कि जानवरों का पार्क्स। चलिए समझते हैं क्या है ये जूलॉजिकल पार्क्स। सो बेसिकली जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं एक ऐसे नेचुरल एरियाज हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को एंड नेचुरल रेमनेंट्स को कंजर्व यानी कि बचा के रखा जाता है। अब यहाँ पे जो रेमनेंट्स हैं उसका मतलब होता है अवशेष, यानी कि किसी जानवर के अवशेष। ओके, उनके मर जाने के बाद कुछ हिस्से, कुछ बॉडी के पार्ट्स या उनकी पूरी बॉडी को रखा जाता है, उनके अवशेष को रखा जाता है। ओके, सो बेसिकली ऐसी जो भी स्पेसीज जो है वो इंडेंजर्ड है, जिनको खतरा है, वो खत्म हो सकते हैं, तो उनको बेसिकली बाहर से इन पार्क्स के अंदर लाया जाता है ताकि उनको हम प्रोटेक्ट करके, बचा करके रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड उन एनिमल्स को बेसिकली अप्रोप्रिएट फूड यानी कि जितना उनको खाना जरूरी है उतना दिया जाता है। एंड इस पार्क के अंदर ऐसे एनिमल जो कि खतरे को फेस कर रहे हैं कि वो खत्म हो सकते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो खतरनाक है, वहां आके उनको कोई मार सकते हैं, तो उनको अलाउ किया जाता है इस जूलॉजिकल पार्क में रहने के लिए। एंड उनको अलाउ किया गया है टू ब्रीड। ब्रीड यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, राइट? उनके बीच में रिप्रोडक्शन किया जाता है ताकि वो जो स्पेसीज खत्म हो रही है उनको बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो एंडेंजर्ड नहीं हो जाए, उनको खत्म नहीं हो जाए, कि बेसिकली हमारे पास उनकी स्पेसीज बचे ही नहीं, ऐसा नहीं हो, इसके लिए जूलॉजिकल पार्क्स का यूज किया जाता है। ओके, सो बेसिकली इन जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर उन एनिमल्स के हैबिटेट की, वो कैसा फूड बिहेवियर है, क्या खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है बहुत इजी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे इन एनिमल्स को नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पे वो जो ग्रो करते हैं वो एक नेचुरल ग्रो हमको देखने मिलता है एंड वो वहाँ पे खुल के जी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो म्यूजियम है या फिर जूलॉजिकल पार्क्स है, बेसिकली ये दोनों हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड वो किस तरीके से वहाँ पे उनका रहन सहन, खान पान, क्या खाते पीते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हमको मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी की वजह से हम जो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता जानने की कि हम क्या हो रहा है एनिमल्स का, कौन कहाँ पे क्या है, किस तरीके से उनकी लाइफ है, तो इस चीज़ों का इंटरेस्ट हमको लोगों के बीच में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।